ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यम्नि गौरतविषये नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो सुते वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे दामोदरष्टकम का। वरम दे मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यं वरेण वरेषाद पिया इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्त्या विरम विरस्तम किमन्ये। इसका अर्थ है ओ सुप्रीमली एफल्जेंट एंड प्लेफुल डिवाइनिटी हे परम तेजस्वी और क्रीड़ा करने वाले आई डू नॉट आस्क यू फॉर द फ्रीडम फ्रॉम मॉर्टल सफरिंग। मैं तुम्हें संसार के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना ही नहीं करता हूँ, मोक्ष की मैं लालसा नहीं करता हूँ। नॉट डू आई आस्क फॉर द अल्टीमेट फ्रीडम रेजिडेंस टू वैकुंठ द अबोर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेटेड हैप्पीनेस। ना मैं आपसे मुक्ति मांगता हूँ, नॉट डू आई सीक एनी अदर बेनिडिक्शन फ्रॉम, ना मैं तुमसे कोई और वर मांगता हूँ। इवन दो एज द सुप्रीम बेनिफैक्टर यू कैन इजली ग्रांट ऑल बेनिडिक्शन, क्योंकि आप सर्व वर देने वाले हो, आप सारे वर प्रदान कर सकते हो। ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ मे या ब्यूटिफुल फॉर्म एज बाल गोपाल अ लिटिल कॉहर्ड बॉय इन व्रज मंडल रिमेन विजिबल विद इन माई हार्ट। मेरी इच्छा है आपका जो बाल गोपाल रूप है ग्वाले के रूप में आप मेरे हृदय में हमेशा वास करिए। आई हैव नो यूज़ फॉर एनी बेनिडिक्शन अदर देन दिस, मुझे और कोई वर की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वर मिल जाता है तो कि आप मेरे हृदय वास करोगे तो फिर किस चीज़ की आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे दिग्दर्शनी टीका भावानुवाद सनातन गोस्वामी क्या टीका कहते हैं। अप अंटिल दिस पॉइंट श्री सत्यव्रत मुनि हैज बीन प्रेजिंग श्री भगवान बाई डिस्क्राइबिंग द सुपरमेसी ऑफ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ तक तो है सत्यव्रत मुनि भगवान की प्रशंसा करते हैं और उनकी श्रेष्ठता वर्णन करते हैं। नॉ इन वर्स फोर बिगनिंग विद वरम एंड इन वर्स फाइव श्री सत्यव्रत मुनि बिगन टू प्रे टू ऑब्टेन हिज मोस्ट चेरिश्ड डिजायर। अब ये चौथे श्लोक में आपने इनके जो सबसे वांछित वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। ओ देव मीन्स आइदर ओ सुप्रीमली एफल्जेंट डिवाइनिटी और लॉर्ड हु ऑलवेज लव्स टू परफॉर्म सर्टन चार्मिंग पास्टाइम। यानी इसके दो अर्थ होते हैं, यानी जिनका तेज बड़ा अद्भुत है और जो प्रकृति से परे है, और दूसरा है जब भगवान हर समय लीलाएं करते रहते हैं भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। यार वर इसत अपी मीन्स इवन डू यू कैन ग्रांट एनी बेनिडिक्शन आई डू नॉट आस्क यू फॉर फ्रीडम फ्रॉम मॉर्टल सफरिंग। आप कोई भी वर दे सकते हो लेकिन मैं आपसे कोई वर नहीं मांगता हूँ जिससे मेरे दुख कम हो या मुक्ति मिले। द अल्टीमेट गोल अमंग द फोर ह्यूमन गोल्स ऑफ लाइफ, जो इंसान
मोक्ष की चाहता, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ. बियॉन्ड द स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डनरी मोक्ष इज द अटेनमेंट ऑफ द अटमोस्ट लिमिट ऑफ मोक्ष रेजिडेंस इन योर ट्रांसेंडेंटल अबोड श्री वैकुंठ. मोक्ष से भी श्रेष्ठ है आपके धाम में वास करना, वैकुंठ में. दैट अबोड इज कंप्राइज ऑफ अनएंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस. वो जो स्थान है उस पे अनंत सुख है. आई डू नॉट इवन आस्क यू फॉर रेजिडेंस इन वैकुंठ. मैं आपसे वैकुंठ का वास भी नहीं चाहता हूँ. ना डू आई आस्क यू अनिंचा. द वर्ड अनिंचा अदर ऑल्सो कैन बी अंडरस्टूड टू मीन आइदर द बेनिडिक्शन अटेंड बाई परफॉर्म द सेलिब्रेटेड नाइन फोर सिस्टम ऑफ डिवोशन सर्विस बिगनिंग विद द प्रोसेस ऑफ श्रवणम. यानी मैं आपसे नवदा भक्ति भी नहीं मांगता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और जो श्रवण से प्रारंभ होती है. एंड अदर अटेनमेंट जनरली कंसिडर्ड वर्थ आस्किंग फॉर. और भी बहुत ही वांछनीय वस्तु हैं जो प्राप्त करने योग्य हैं और कंसिडर सुपीरियर बाई अदर, जिसे दूसरे लोग श्रेष्ठ मानते हैं. हाउएवर कंसिडरिंग द वर्ड था इन दिस प्लेस द मीनिंग इज बिकॉज आई एम इन वृंदावन आई डू नॉट हैव द स्लाइटेस्ट डिजायर टू एक्सेप्ट ऑल दिस बेनिडिक्शन. क्योंकि मैं ब्रज में हूँ, मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं कोई वर प्राप्त करने की. The word iha is also related to the better half of the verse. Here the progressive superiority of the three benedictions is self-evident. Yani jo var hai, jo teen bhara arth dharm kaam की जो बात की जाती है एक दूसरे से श्रेष्ठ है. द उत्तरखंड ऑफ ब्रह्म भागवतम क्लियरली एक्सप्लेन द सुपीरियरिटी ऑफ रेजिडेंस इन वैकुंठ ओवर मुक्त. जो ब्रह्म भागवतम है मुक्ति से विशेष वैकुंठ वास को मानती है. And the performance of Navada Bhakti, the celibate ninefold system of devotional service beginning with Shravan is superior to that. Or jo Navada Bhakti hai, wo inse bhi shreshtha, sabse shreshtha hai. This is also described in the following verse from Srimad Bhagavatam. Bhagavat ke andar iska varnan bhi aata hai. Tisre skand ke 15 adhyay ka 39va shlok. श्री सनत कुमार अनदर कुमार स्प्रेड सनत कुमार और अन्य कुमार प्रार्थना करते. ओ लॉर्ड इफ बिकॉज ऑफ द ऑफेंस वी मेड बाय कर्सिंग योर डिवोटीज जय एंड विजय वी हैव टू टेक बर्थ इन एन एक्सट्रीमली कंटेंट स्पीशीज और इवन इन हेल. तो सनत कुमार प्रार्थना करते हैं कि मैंने आपके द्वारपालों को श्राप दिया था जय और विजय को, क्योंकि हमें अंदर प्रवेश करने से उन्हें रोका था. कहते इसका परिणाम क्या आएगा, हमें निंदनीय क्या बोलते हैं स्पीशीज यानी जो जोनियों में जाना पड़ेगा. कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज अवर हार्ट्स एंड माइंड्स लाइक बीज आर इमर्स इन रिलिशिंग द स्वीटनेस ऑफ सर्विंग अ लोटस फी. जब तक हमारा हृदय और मन है आपकी लीलाओं का सेवन कर रहा है. Our words are made beautiful by glorifying you. हमारे शब्दों के द्वारा आपके गुणों का गान किया जा रहा है. Just the tulsi leaves are beautiful when they are offered to your feet. तुलसी बहुत सुंदर तब लगती है जब आपके चरणों में अर्पण की जाती है. And our ears are eternally filled with description of all your transcendental qualities. और हमारे कान जो है आपकी लीला से भर जाती है. देन वी डू नॉट केयर अबाउट वेयर वी टेक बर्थ. फिर तब हमें कोई परवाह नहीं, हम कितना भी जन्म ले सकते हैं. जहाँ तक आपके मुख से गुणों का गान करें और आपकी कथा सुनने को मिले, बस उससे बढ़कर कोई चीज नहीं होता है. इन अदर वर्ड्स मे वी एटर्नली हैव द फॉर्चून ऑफ हियरिंग एंड सिंगिंग अबाउट यू. हमें सौभाग्य मिले आपका श्रवण और कीर्तन करने का, हम यही चाहते हैं. This incident specifically demonstrates that regardless of where one resides,
as a result of his action, even if he resides in hell. इससे स्टेटमेंट से पता चलता है हम किधर भी वास करें आपके कर्मों के अनुसार चाहे नरक पे क्यों ना जाना पड़े. वंस ही अटेन फाइनल परफेक्शन प्रेम भक्ति, अगर एक बार उसे प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई है पर जिसे परफेक्शन कहते हैं, बाय अप्रोप्रियली परफॉर्म द लिम्स ऑफ नवता भक्ति सच अ श्रवण, जैसे नवता भक्ति की है और श्रवण से शुरू होता है, ही ऑलवेज एक्सपीरियंस द फुलफिलमेंट ऑफ रिजाइडिंग इन वैकुंठ. उसे हमेशा यही लगे सार्थक लगेगी कि मैं वैकुंठ में ही हूँ, क्योंकि कथा जहाँ पे होती है वो स्थान वैकुंठ बन जाता है. उन्हें यही लगा कि मैं वैकुंठ में ही हूँ. श्री कृष्ण मे हैव आस्क, इफ यू डू नॉट वॉन्ट एनी ऑफ दिस बेनिडिक्शन देन वॉट डू यू वॉन्ट. कृष्ण पूछ सकता है अगर आपको कोई भी वर नहीं चाहिए यानी मोक्ष शक्ति चाहते हो तो क्या चाहते हो. टू दिस क्वेश्चन दी सेज रिप्लाइड, इसका जवाब ऋषि देते सत्यमुनि, ओ मास्टर मैं या बाल गोपाल फॉर्म इन वृंदावन विच आई डिस्क्राइब ऑलवेज रिमेन मैनिफेस्ट विद इन माई हार्ट. आपको जो बाल गोपाल रूप है जिसका वर्णन मैंने किया है हमारे हृदय में वास करे. ऑल द यू आर प्रेजेंट एज द सुपर सोल द ऑमनिसेंट विटनेस इन द केव लाइक हार्ट ऑफ ऑल बींग, आप सबके हृदय की गुफा में सर्व साक्षी के रूप में वास करते हो. काइंडली मेंशन रिमेन मैनिफेस्ट इन माई हार्ट इन सच अ वे, मेरे हृदय में आप प्रकाशित हो इस तरीके से दैट यू सीम टू बी अपीयरिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे हृदय में इस प्रकार प्रकाशित हो ये कि लगे कि मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ. एंड दिस वे रिवील टू मी द ब्यूटी ऑफ योर एंटायर फॉर्म, इस प्रकार मैं आपके शरीर की सुंदरता देखना चाहता हूँ. एज दो श्री कृष्ण ए पर्सनली एड्रेसिंग द डिवोटी, जैसे लगे जैसे कृष्ण अपने भक्त को संबोधन करें. ही स्पीक दस और से कहते हो ओ लिबरेशन रेजिडेंस इन वैकुंठ एंड इलिजिबिलिटी टू अंगेज इन नवदा भक्ति, कहते हैं मुक्ति वैकुंठ वास और एंड एलिजिबल और नवदा भक्ति करने की जो जो क्वालिफिकेशन है और ऑल्सो एक्सेडिव वर्दी एंड नियर बेनिडिक्शन, कहते हैं इनकी जो योग्यता है ये बहुत बड़े वर है कि वैकुंठ वास करने का अधिकार मिल गया, मुक्ति मिल जाती है, नवदा भक्ति करने का सौभाग्य मिल रहा है. व्हाई नॉट एक्सेप्ट देन, उसे क्यों नहीं आप ग्रहण करते. इन रिप्लाई श्री सत्यव्रत मुनि सेज, उसके उत्तर में सत्यव्रत मुनि कहते हैं ओ ऑफ व्हाट यूज आर दीज थ्री बोन्स, इन तीनों वर का हमें क्या लेना देना, मुक्ति वैकुंठ वास और नवदा भक्ति को. इन अदर वर्ड श्री सत्य मुनि से ऑल दो दीज अटेनमेंट्स आर ईगली सॉट आफ्टर बाई अदर, ये तीनों वर जो हैं लोग इसकी कामना करते हैं, दे आर ऑफ नो यूज टू मी, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं. श्री कृष्णा इज द असेंस ऑफ ऑल ब्लिस, कृष्णा जो है सब आनंद के सार हैं. वन अटेन्स हिम देन एवरीथिंग हैज बीन अटेन्ड, अगर जिसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया उन्हें अपना सब कुछ प्राप्त कर लिया. हाउ द रिजल्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग एज इनसिग्निफिकेंट एज लिबरेशन, तो कहते हैं तुच्छ वस्तु को मांगना जिसे मुक्ति कहते हैं, इंस्टेड ऑफ वंस मोस्ट चेरिश्ड फॉर्म ऑफ श्री कृष्णा इज ओनली इंटेंस सॉरो, कहते हैं कृष्ण को छोड़ के मुक्ति की चाह करना भी ये दुख का कारण है. That is for this reason that Sri Satya Muni has implied that all other benediction are of no use. कहते सारे वर मेरे किसी काम के नहीं है, ना मुझे नवता भक्ति चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए इस रूप में जो ग्वालों के रूप में जो ब्रज में वास करता मेरे हृदय में प्रकाशित हुई है और ऐसा लगे कि मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ. तो मुक्ति क्यों नहीं चाहिए, कहते मुक्ति लेने से भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान अगर इस धरातल पे आती है जिधर भी अवतार लेते हैं कोई भी ब्रह्मांड के अंदर, भगवान की नित्य लीला तो हर ब्रह्मांड में चल ही रही है. इस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, किसी ब्रह्मांड में त्रेता चल रहा है, किधर द्वापर चल रहा है, किधर सतयुग चल रहा है, और अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग कल्प चल रहे हैं, अलग अलग युग चल रहे हैं. तो भगवान के अवतार नित्य कोई ना कोई ब्रह्मांड में हो ही रहे हैं, लीला में अंतर हो सकता है लेकिन नाम और रूप में कभी कोई अंतर नहीं होता, लीला में अंतर हो सकता है. तो कहते हैं अगर मोक्ष मांग लिया प्रभु के दर अवतार ले ले और लीला कर रहे हैं,
भक्तों के साथ खेल करे तो आपकी इच्छा भी होगी कि भी मैं भी प्रभु के साथ जाऊं और लीला में प्रवेश करूं, लेकिन प्रभु तब आपको प्रवेश का अधिकार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मुक्ति जो मांग ली, जो मुक्त होता वापिस संसार में नहीं आता, जिसने भक्ति मांगी होती है वही मेरे साथ मेरे धाम में जाता है और मेरे धाम से लीला धातल पे आके लीला में प्रवेश करता है। कोई ना कोई लीला में वो उसको मैं कोई ना कोई रोल दे देता हूँ, उस मेरा सहयोगी बन जाता है और इस प्रकार उसे आनंद मिलता है। और जब मेरी लीला स्मरण हो जाती है तो मैं उसको अपने साथ के लोक में ले जाता हूँ, वो तो नित्य मुक्ति होता है। इसलिए जी को भक्ति की याचना करनी चाहिए। मुक्ति की याचना से आपको प्रेम से वंचित रह जाओगे, लीला से वंचित रह जाओगे, भक्ति की याचना करेंगे सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। Now in the following passages, Sri Sanatan Goswami reveals another meaning of Kim Anaya. Ab Sanatan Goswami iska ek aur arth batate hain. Shri Bhagwan asked the sages, you may not, Satyamuni ko puchte hain, you may not want liberation and other boon. Aapko chalo ho sakta hai mukti ya anya var ki avashyakta nahi hai. But why do you not accept the benediction of seeing me and conversing with me in any of my opulent four form like Narayan, a privilege greatly cherished by all? To kehte hain aap kyun nahi grahan karte ho us var ko, ki aap mera sakshatkar kar lo chaturbhuj roop mein Narayan ke roop mein, aur ye darshan to ati durlabh hai, bahut vanchaniya hai. In this context, when Sri Satyavar Muni replies that he has no use फॉर एनी अदर बेनिडिक्शन, हमें सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुझे और वर की आवश्यकता नहीं है। ही मीन्स आई विल ओनली एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट ब्लिस इन इफ योर बाल गोपाल फॉर्म द क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल ब्यूटी, मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब होएगा जब आपका बाल गोपाल जो रूप है, जो सुंदरता का मुकुट मुकुट है, रिमेन्स फॉर एवर मैनिफेस्ट इन माई हार्म एंड नॉट, हर वक्त मेरे हृदय में प्रकाशित होएगा और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एंड श्री भट बृहद भागवत अमृत उत्तराखंड, बृहद भागवतम अमृत जो ग्रंथ है सनातन गोस्वामी कला उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, वी फाइंड द स्टेटमेंट ऑफ श्री पिपलाइन ऋषि, हम पिपलाइन ऋषि के वाक्यों को देखते हैं। देयर इन ही एक्सटेंसिवली डिस्कसेस द ग्लोरीज ऑफ बिहोल्डिंग श्री भगवान विद इन द हार्ट, उधर तो वो बहुत ज़्यादा महिमा गाते हैं भगवान को हृदय में धारण करना चाहिए, बहुत विस्तार से उन्होंने कहा है। इन द प्रीवियस स्टैंजा द सेज हैड बीन सीइंग द ग्लोरीज ऑफ द प्रीवियस श्लोक पे भगवान की वो महिमा गा रहे थे, यह स्टैंजा इज अपेरेंटली अ प्रेयर, और ये जो श्लोक है ये भी प्रार्थना है। और इवन दिस प्रेयर हैज कल्मिनेटेड इन ग्लोरीफाइंग श्री भगवान, इस प्रेज जो सब प्रार्थना है इसके चरम सीमा के से भगवान के महिमा का बखान किया है। द सेज प्रेयर फॉर इनर विजन ऑफ श्री भगवान शो द सच विजन इज द हाईएस्ट गोल, तो ये क्या चाहते हैं कि भगवान मेरे हृदय में प्रकाशित होए, मैं उनके दर्शन करूं, तो कहते ये दिखाते कि ये सबसे हाईएस्ट चीज है भगवान का साक्षात्कार करना। दिस शुड बी अंडरस्टूड वाइल अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट वर्ड, इसको समझना चाहिए जब आप अगले श्लोक को पढ़ेंगे उसके साथ, पहले हमको ये श्लोक समझना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नारद महाराज जी की जो व्याख्या, वो क्या टिप्पणी करते हैं। अप टिल नाउ सत्यवर मुनि हैज बीन डिस्क्राइबिंग द स्वीट पास्टर्म्स ऑफ श्री कृष्ण, अभी तक सत्यव्रत मुनि जो है उन मीठी लीला का गान करते श्री कृष्ण की, स्पेशली द पास्टर्म कैरेक्टर साइड बाई वात्सल्य रस, और उन लीला को जो वात्सल्य रस से भरी हुई है। Consequently, his heart has been melting and he is becoming fully absorbed in them. इनका जो हृदय लीला सुनते सुनते पिघल रहा है और उससे मग्न हो रहा है। श्री कृष्ण इज नॉट स्पेशली प्लीज्ड विद द प्रेज ऑफर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा और द अदर डेमिगॉड, कृष्ण जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं जो ब्रह्म स्तुति करते हैं, देवता स्तुति करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ही वन सिंग अबाउट द पास्टर्म और श्री कृष्ण डिवोटी, इसके अलावा कोई
जो कृष्ण के भक्तों का गुणगान करता है एंड स्पेशली अबाउट द पास्टम ऑफ द ब्रजवासी, खासकर जो ब्रजवासियों की महिमा का गान किया जाता है, ब्रज गोपियों का गान किया जाता है, भगवान की ब्रज लीला का गान किया जाता है, देन श्री कृष्ण विल नॉट ओनली बी प्लीज बट ही विल इवन बी कंट्रोल्ड बाय देम। केशव केवल प्रसन्न ही होते हैं, उनके अधीन तक हो जाते हैं। श्री सत्यवर मुनि देन पर सत्य मुनि फिर प्रातः करते हैं, ओ दामोदर या मदर हैज सो मच अफेक्शन फॉर यू एंड अबव ऑल अदर्स यू आर बाय फार हर फेवरेट। तो क्या कहते हैं, दामोदर तेरी माँ का तेरे प्रति बहुत ज्यादा स्नेह है, और सबसे श्रेय बात क्या है, तो उसका जो है फेवरेट है, यानी अति प्रिय है। शे इज द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ बॉन्डले वात्सल्य प्रेम, यानी जो वात्सल्य प्रेम की जो चरम सीमा है वो तेरी माँ ही है। तेरे प्रति जो वात्सल्य प्रेम की सीमा है, वे प्रोफाउंड मदरली अफेक्शन शी केयर्स फॉर यू एंड नर्चर यू कंसिडरिंग यू टू बी हर डिपेंडेंट चाइल्ड। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्नेह के द्वारा वो आपके बारे में चिंता करती है, आपका ध्यान रखती है और आपका पोषण करती है, ये सोचते हुए कि आप उस पर निर्भर हो। देखो दासे भाव तो यही होता है कि हम भगवान पर निर्भर हो, वो हमारा पालन पोषण करेंगे। सख्य वात्सल्य माधुर्य की विशेषता है कि हम भगवान हम पर निर्भर होते हैं, हम उनका चिंतन करते हैं, हम उनका पालन पोषण उनकी देखभाल करते हैं। प्रेम के कारण प्रभु हमारे बिल्कुल अधीन हो जाते हैं, यही वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता है। तो नेचुरली जस्ट एज अ मदर्स क्वालिटी ऑर्डनरी अपीयर्स इन द चिल्ड्रन, जिस प्रकार माँ के गुण बच्चे में आते हैं, हर मदरली क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस एंड कंपैशन आल्सो अपीयर्स इन यू। तो माँ के हृदय में बहुत ज़्यादा क्षमा और दया के भाव है और वो तेरे अंदर भी आए हैं। काइंडली इग्नोर माई ऑफेंसिज, माई सिंस, माई अनर्थाज एंड माई बैड क्वालिटीज, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को, मेरे अनर्थों को और मेरे अवगुणों को आप उपेक्षा करिए एंड जस्ट बी प्लीज बी मी, और केवल मुझ पर प्रसन्न होइए। काइंडली जस्ट ग्रांट मी योर कॉजलेस मर्सी, अपनी अहितों की कृपा मेरे ऊपर बरसाइए। इट इज एज दो श्री कृष्ण बींग प्लीज बाई श्री सत्यव्रत मुनिज प्रेयर एंड आस्क्ड द शे टू एक्सेप्ट डिजायर्ड बून। ऐसे लग रहा है कि जो कृष्ण जो है सत्यव्रत मुनि के प्रार्थना से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और उनसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं। एंड नाउ ही नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टैंजा द सेज सेज, अब इस श्लोक में शुरू में सेज मुनि क्या बोलते हैं, वरम दे मोक्षम न मोक्षावधिम, आई डू नॉट वांट लिबरेशन और इवन द अटमोस्ट लिमिट ऑफ फ्रीडम रेजिडेंस इन वैकुंठ लोक, ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे वैकुंठ लोक में वास करना चाहता हूँ। Nor have I any need for other such benediction, ना मेरे को किसी और वर की आवश्यकता है। श्री सत्यव्रत मुनि प्रेस, सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं, ओ भगवान यू आर दी ओरिजिनल लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड, अब सब देवों में देव हो, सर्वश्रेष्ठ हो एंड दी सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सब के मूल कारण आप ही हो, देयरफॉर यू आर कैपेबल ऑफ ग्रांटिंग ऑल बेनेडिक्शन, इससे आप हर वर देने में सक्षम हो। Nothing is impossible for you, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। Although liberation is the cherished attainment of one who has realized the temporary nature of the worldly existence, तो कहते हैं मुक्ति तो चाहते हैं लोग जिससे ये बात समझ ली कि संसार अस्थायी है, दुखों का घर है, यानी कौन से बिकम डिटैच, और जिनकी आसक्ति खत्म हो गई है। I have no need फॉर दी बेनिटेशन ऑफ अटे लिबरेशन, मुझे मुक्ति की भी कामना नहीं है। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ मुक्ति डिस्क्राइब इन द स्क्रिप्चर, पांच प्रकार की मुक्तियां शास्त्रों में वर्णित है, सालोके, सामीपे, सारूपे, सारिष्टि और सायुजे। इसका मतलब क्या होता है, सालों के मकी भगवान के धाम में वास करना, सामीप्य होता भगवान का करीब पना प्राप्त करना, स्वरूप होता है चतुर्भुजी रूप प्राप्त करना, सारष्टि होता भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, असायुज होता है भगवान के ज्योत में समा जाना।
The definition of mukti is found in Sankhya Shastra. Sankhya Shastra ke andar mukti ki paribhasha batai gayi hai. The final residence of all forms of misery suffered during the endless cycle of birth and death is mukti. Insan janam mrityu ke chakkar mein bahut si peeda uthata hai. Unse mukt hone ko hi mukti kaha gaya hai. Jab wo khatam ho jate hain use mukti kehte hain. Kyunki sansar mein prati kshan कोई ना कोई तकलीफ आ रही है मानसिक परेशानी शारीरिक परेशानी या दैविक परेशानी कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है कोई मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता इन तीनों पीड़ाओं में से किसी को एक ना हो या मुक्त हो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि यह संसार इस प्रकार डिजाइन किया गया बनाया गया है हमको दुख देने के लिए ही कला भी लड़ाइयां भी होंगी गलतफहमियां भी होंगी सब कुछ होएगा भगवान नहीं चाहते हैं कि तू इस घर में रहे अगर इस संसार में हमें सुख मिलता है ऐसा हम मानते हैं तो हम प्रभु के धाम जाने की कभी भी इच्छा नहीं रखेंगे क्योंकि इस संसार में प्रति क्षण दुख मिलेगा तब आपकी इच्छा कि मैं संसार से निकलना चाहता हूँ मैं प्रभु के लोक धाम में जाना चाहता हूँ जहाँ से मुझे वापिस नहीं आना पड़ता इस प्रकार के भाव होते हैं भक्तों के अंदर भगवान चाहते हैं कि जी मेरे धाम में आए और मेरा अंश है वो क्यों संसार भटक रहा है क्यों नहीं मेरे पास आ रहा है लेकिन लोग इतने ज्यादा अज्ञानी हैं दुखी होने के बावजूद कहते हैं हम बड़े सुखी हैं आप बताओ क्या करोगे जो मानता ही दुख है वो बुरा मान जाते हैं उनको कोई समझाओ कि आप दुखी हो आप प्रति क्षण दुख प्राप्त करो वो बुरा मान कौन कहता हम तो बड़े सुखी है रोते हैं झगड़े हो रहे हैं रो तकलीफ आ रही फिर भी इतनी ज्यादा अज्ञानता है उनको लग रहा कि मैं सुखी हूँ उनको लग रहा कि मैं सुखी हूँ जबकि वो सुखी नहीं है दूसरी चीज ये भी है या तो इतने उनका अहंकार ज्यादा है कि वो कैसे कबूल करे कि मैं दुखी हूँ उनका अहंकार इतना ज्यादा दो में से एक चीज ज्यादा तो पहले वाली स्थिति होती है कि वो इतने अज्ञानता में होते हैं दुखी होने के बावजूद उन्हें लग रहा हम सुखी हैं और ये भी अहंकार भी होता है लेकिन जब उसके बाद बैठते हैं टटोलते उसके हृदय को प्रेम से बात करते हैं तब वो कितना भी धनी क्यों ना हो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं वो कहता हाँ प्रभु जी मैं मुझे जीवन में बहुत दुख है ये हमने एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ रिजॉल्विंग टू परमानेंटली एंड देयर सफरिंग सम पीपल एस्पायर फॉर सायुज्य मुक्ति अपने दुख को निवारण करने के लिए कुछ लोग तो है सायुज्य मुक्ति की चाह करते हैं मजे एंटोडी इम्पर्सनल फीचर ऑफ ब्रह्म यानी जोत पे जोत समाना भगवान के शरीर की जो तेज निकलता है उस पे समा जाना भक्त कभी भी ये मुक्ति नहीं चाहता क्योंकि इस पे भगवान के निज धाम की निजी सेवा नहीं मिलती वो प्रेम और रस से वंचित हो जाता है यानी आप जोत क्यों चाहते हो आप जोत का जो कारण कौन है उस ईश्वर को क्यों नहीं चाहते उसकी सेवा क्यों नहीं चाहते हो उस पे उसे आप प्रेम क्यों नहीं करते हो आप क्यों जोत पे समाना चाहते हो आपको क्या आनंद मिलेगा This form mukti is actually offensive and is fully opposed to bhakti क्योंकि ये जो मुक्ति है ये भक्ति के विरोधी है ये अपराध किस्म का एक ये मुक्ति जिसे कहते हैं नॉर्मली ये मुक्ति जो है राक्षसों को मिलती है या ज्ञानी लोग जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं रूप का खंडन करते हैं तो उनको इस प्रकार की मुक्ति मिलती है लेकिन भक्त तो प्रभु के रूप को मानते हैं उनकी दिव्यता को मानते हैं कि प्रभु स्वयं कहते हैं मेरा जो शरीर जो है ये दिव्य है अप्राकृतिक है प्रकृति से परे है लेकिन जीव इसे साधारण अपने शरीर की तरह इसे मानता है Previously, even the four Kumar, Sri Sanak, Sri Sanandan, Sri Sanat, Sanatan and Sri Sanat Kumar desired this kind of mukti. So, yani, pehle Sankati Rishi, jo char Kumar bhai hain, wo bhi is prakar ki mukti chahte the. However, as Sri Satyavrati prays for the desired boon, jab Satyavrati Muni jo var mangte hain, he discards the goal of moksha, wo moksha ka bhi tiraskar karte hain, with the words varam de moksham, And with the verse na moksha vadim, he expresses that he does not even want the unending concentrated happiness of residing in Vaikunth, the ultimate limit of freedom. कि मैं मुझे वैकुंठ पे भी नहीं चाहिए जो प्रेम एकदम गाढ़े रूप में बहुत कंडेंस रूप में जहाँ पे वास करता है आपको अपार सुख मिलता है कोई दुख खुदा प्रवेश नहीं कर सकता लेकिन भक्त उस वैकुंठ का भी तिरस्कार करता है
we should consider carefully consider the meaning of moksha padim. हमने मोक्ष पदिम का अर्थ समझना चाहिए क्या है. अनलेक सयुज मुक्ति दी अदर फोर काइंड्स ऑफ मुक्ति आर नॉट एंटायरली अनफेवरेबल टू भक्ति. तो कहते हैं सहज मुक्ति की तरह अन्य जो चार जो मुक्तियां हैं वो भक्ति के विरोधी नहीं है, क्योंकि सहज मुक्ति में तो आपको प्रभु की सेवा मिलती नहीं है ना, जोत पे जो समाप्त ना प्रेम मिलता ना सेवा मिलती है, इसलिए वो निंदनीय है. बाकियों में कुछ तो सेवा मिलती है, प्रेम भी प्राप्त होता है. Those who accept these four kinds of mukti exist within the realm of Vaikunth in two classification. तो कहते हैं जो इस प्रकार की मुक्ति चाहते हैं वो वैकुंठ उन्हें प्राप्त होती है और उनमें दो भाग होते हैं. In one class, the desire for one's own happiness and opulence predominate. तो एक भाग में इंसान अनंत सुख की प्राप्ति चाहता है अपने लिए और मुझे बहुत सारा सुख मिले. Whereas in other class, प्रेम सेवा उत्तरमो वन लॉन्गिंग टू रेंडर लविंग सर्विस टू श्री भगवान पे डोमिनेंस ओवर ऑल डिजायर. तो दूसरे भाग में क्या होता है कि भगवान की सेवा करने की प्रबल इच्छा होती है. तो ये दो प्रकार के विभाजन होते हैं मोक्ष में. या तो कुछ लोग अपना सुख चाहते हैं कि मैं अपार सुख प्राप्त करूँ, और दूसरे जो पक्ष वाले होते हैं वो चाहते हैं मैं भगवान की सेवा करूँ. दो लॉन्ग फॉर प्रेम सेवोत्तम मोक्ष नेवर डिजायर द इन्फीरियर स्व सुख ऐश्वर्य तर मोक्ष. यानी जो भगवान से प्रेम चाहते हैं वो कभी अपने सुख की परवाह नहीं करते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ द फोर कुमार इलस्ट्रेटेड चारों कुमारों का जो उदाहरण है वो साबित करता है. व्हेन द फोर कुमार एक्सपीरियंस द फ्रेग्रेंस ऑफ द तुलसी लीफ That can be placed upon the lotus feet of Sri Narayan. जब उनके नाक पे तुलसी की गंध गई जो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई थी, उनको श्राप देने के बाद जय विजय को श्राप देने के बाद जब भगवान नारायण आती हैं बाहर उनके मिलने के लिए और उनके कान में वो तुलसी की गंध जाती है, तो क्या होता है? They utterly abandoned their previous desire for impersonal liberation. तब उन्होंने कहा कि हम उस निराकार सुख को लेके क्या करेंगे, हमें तो प्रभु का स्वरूप चाहिए, प्रेम चाहिए. दे एट वंस बिकेम ज्ञान भक्त डिवोटीज हुआ नॉलेज ऑफ द लॉर्ड एब्सोल्यूट डिवाइनिटी. उन्हें ज्ञान हो गया प्रभु के स्वरूप का एंड बिगेन सेविंग सीकिंग आफ्टर प्रेम सेवोत्तर मोक्ष. और उसके बाद वो प्रेम का रूपी की सेवा वाली मोक्ष चाहते थे कि जिससे मुझे प्रेम पूर्वक मैं सेवा कर सकूं, अपने सुख की परवाह नहीं करो. शुद्ध भक्त हाउएवर हैव वन पॉइंटेड अटैचमेंट फॉर द लविंग सर्विस ऑफ श्री कृष्ण. जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक लक्ष्य होता है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, वो भी प्रेम पूर्वक सेवा करूं. दे डू नॉट इवन एस्पायर फॉर प्रेम सेवोत्तर मोक्ष वेयर इन सम डिजायर फॉर वंस हैप्पीनेस स्टिल रिमेन्स. वो मोक्ष की याचना नहीं करते हैं जहाँ पे उन्हें अपने सुख की परवाह हो. When Sri Bhagwan offers such one-pointed devotees either of these class of moksha, they never accept. जिनका एक लक्ष्य भगवान की सेवा करना होता है प्रेम, वो कोई भी प्रकार का मोक्ष नहीं लेते. Therefore, in Srimad Bhagavatam, Sri Bhagwan से भागवत में भगवान स्वयं क्या कहते हैं, 3.29.13. A pure devotee never accepts any kinds of moksha even if I personally offer them. जो शुद्ध भक्त कोई भी प्रकार के मोक्ष नहीं लेते, पांचों प्रकार के मोक्ष को त्याग देते हैं, मैं उनको देना भी चाहता हूँ. The unalloyed devotees only desire to engage in loving service to Sri Bhagwan. वो भक्त क्या है, केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं. In the history of Vrittasur, नहीं इन श्रीमद् भागवतम छठे स्कंध में वृत्तासुर की जो कथा आती है, वृत्तासुर रिजेक्टेड ऑल वैरायटीज ऑफ मोक्ष. उन्होंने सब प्रकार के मोक्ष का तिरस्कार किया एंड प्रे टू बी एबल टू रेंडर सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ श्री भगवान. और उन्होंने भगवान के चरणों में की सेवा प्राप्त करने की याचना की. वो ओशन ऑफ ऑल गुड फॉर्चून यानी सौभाग्य के समुद्र. अपार्ट फ्रॉम सर्विंग योर लोटस फीट, आपके चरणों की सेवा करने के अलावा
I do not wish for anything. मैं कुछ और नहीं चाहता हूँ. ये वृत्तासुर की प्रार्थना है. I do not wish to obtain the summit of heaven. मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, नहीं मुझे स्वर्ग लोक नहीं चाहिए. ना ही मुझे वैकुंठ चाहिए था. वैकुंठ प्लैनेट सिचुएटेड एट दी ज़ेनिथ ऑफ द मटेरियल कॉस्मोस. नाउ द हाईएस्ट पावर सीट विद इन द यूनिवर्स द सीट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. ना मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति की लालसा है. नॉर हैव आई एनी डिजायर फॉर सोवरेनिटी ओवर ऑल. ना ही मैं इस पृथ्वी पे पूरी पृथ्वी पे शासन करना चाहता हूँ. नॉर सोवरेनिटी ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स. ना मैं किसी भी लोक के ऊपर शासन करना चाहता हूँ. डाउन टू रसालता जरी ब्रह्म लोक से लेके नीचे जितने भी लोग हैं, 14 बड़े बड़े लोग होते हैं. वैसे छोटे लोग भी काफ़ी है, लेकिन मेन जो बड़े बड़े लोग हैं उन 14 लोगों का क्या कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कोई शासन. विच आर फ्लडिंग विद सेंस इंजॉयमेंट. उनमें अपार भौतिक सुख बहुत ज़्यादा प्राप्त है. आई डो नॉट लॉन्ग फॉर अ मास्टरी ओवर ऑल द योगी सिद्धि. मुझे योगी की सिद्धियों के भी प्राप्त करने की ज्योति है. लोग सिद्धियाँ चाहते हैं ताकि वह प्रदर्शन करें, दूसरे का अनिष्ट करें, अपनी महिमा बढ़ाए, उनकी प्रशंसा प्रतिष्ठा बढ़े, इससे चाहते हैं. वह कहते हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए. नॉर इवन फॉर द एंड ऑफ द रिपीटेड बर्थ एंड दैट. ना मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूँ. इन द सेम वे श्री सत्यव्रत मुनि इज नॉट इवन आस्किंग फॉर अ बून रिलेटेड टू द अटमोस्ट लिमिट ऑफ मोक्ष रेजिडेंस इन वैकुंठ. इसी प्रकार सत्यव्रत मुनि कोई भी वर नहीं चाहते, मोक्ष या वैकुंठ का वास भी नहीं चाहते हैं. सत्यव्रत मुनि कंटू सत्यव्रत मुनि आगे बढ़ते हैं. ना चा अनियम फर्दरमोर हैव नो डिजायर टू ऑब्टेन एनी अदर बेनिडिक्शन. मेरे हृदय में और कोई वर प्राप्त करने की भी लालसा नहीं है. बाय द वर्ड अन्य अदर इन दिस फ्रेज श्री सत्यव्रत मुनि इम्प्लाइज, यानी अन्य का तात्पर्य कि सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं. I do not even want the result of performing the 9 kinds of vidhi navda bhakti, hearing about Shri Bhagwan, Shravan chanting his name, kirtan, remembering Vishnu Smaram, unka smaran karna, serving his lotus feet, unke charnon ki seva karna, jise pad sevan kehte hain, worship him, usse archanam kehte hain, praising him, uski prashansa karna, usse vandanam kehte hain. Maintaining the attitude of serving him, दास्य भाव कहते हैं कि भाई उन पर आपकी सेवा करो. Nurturing a friendship with him, सख्य भाव यानी मैं तुम्हारे साथ मित्रता करो. And submitting one's very self to him, और आत्मनिवेदन अपने आप को समर्पित करना. कहते हैं इन नौ प्रकार की भक्तियों को मैं नहीं चाहता. He responds astonishes Sri Krishna who then asks, इनका जो उत्तर था कृष्णा आश्चर्यचकित हो गया. आप पूछते हैं the ninefold system symptoms of devotional service has been abundantly praised with the scripture. Now the bhakti to bharpur prashansa ki gayi hai shastro ke andar. Yet to do not want to accept even that, what then is your desire? To wo bhi nahi chahta, to chahta kya phir? Then Sri Satyamuni utters in his prayer, Sri Satyamuni apne prarthna mein kehte hain, my only desire is that a lord form, a little bal gopal manifest in my heart forever. Ki aapka jo bal gopal roop hai मेरे हृदय में हमेशा वास करे. दैट स्मॉल कवर्ड बॉय हु इज अफ्रेड ऑफ हिज मदर. वो छोटे बालक जो माँ से भयभीत होता है, काल प्रभु से भयभीत रहती है, लेकिन आज वही प्रभु भक्त के अधीन होके माँ से भयभीत होने का भी नहीं कर रहे हैं. तो वही कह रहे हैं वो बालक जो अपने माता से भयभीत रहता है, एंड हु इज लुकिंग हियर एंड देयर वे फियरफुल सस्पिशियस आई, जो इधर उधर घबराई हुई आँख से शंक आंख से देख रहे होते हैं. इन द फ्रेज वरिषाद अपिहा द वर्ड इहा मीन्स हियर और इन दिस प्लेस द सेज स्प्रिंग मे या फॉर्म एज ए लिटिल कवर्ड बॉय विच इज प्रेजेंट हियर इन वृंदावन. आपका जो स्वरूप है ग्वाले के रूप में जो वृंदावन में प्रकट होता है, जो वृंदावन में है, अपीयर विद मेरे हृदय में प्रकाशित होए. आई हैव नो नीड फॉर एनी अदर बेनिडिक्शन बिसाइड. मेरे हृदय में और कोई वर की कामना नहीं है. दिस फॉर्म ऑफ बाल गोपाल विल ओनली अपेन वन हार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेम भक्ति. ये जो बाल गोपाल का जो रूप है आपके हृदय में तब प्रकाशित होएगा जब आपके हृदय में प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी.
sadhak who perform Shravan, Kirtan and Smaran of Shri Krishna do not care if they go to heaven or hell. Jo sadhak jo hai Shravan, Kirtan aur Smaran karte hai Krishna ka, wo iski parwah nahi karte ki main nark mein ja raha hu ya main swarg mein ja raha hu. Their only desire is to engage in cultivating prem bhakti. Unki ek hi lalsa hoti hai, mere jeevan mein prem bhakti aaye, kaise mera prem badhe aur main unki mahima gaao aur unka gungaan karo aur naam kirtan karo taki mere andar prem ek hi lalsa hoti. Kyunki jaise jaise bhakti badhti hai prem bhi badhta hai, lekin insaan ko bhakti ki visheshta hai aapko mehsoos nahi hone degi ki aapke andar prem aaya. Aapko 25 saal bhi ho jayenge bhajan karte hue, तभी लगा मेरे जीवन में प्रेम है नहीं, लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि भगवान चाहते नहीं कि आपके अंदर अभिमान आए किसी प्रकार का भी. और भक्ति दैन्यता लेके आती है हृदय में, इससे भक्त को लगता है मेरी पूजा में कुछ गड़बड़ी चल रही है. 15 साल 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, थोड़ी भी प्रेम उत्पन्न हो रहा, थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है. हो रहा है लेकिन आपको लग नहीं रहा है. कैसे? जैसे आप 128 माला कर रहे हो. मैं आपको कल बोलता कि आप सीधा 16 माला पे आ जाइए. क्या आप आ सकोगे? आप नहीं आ सकोगे. क्यों नहीं आ सकोगे? आपको आदत पड़ गई है, यानी आपका प्रेम है. कोई भी चीज करते करते प्रेम उत्पन्न हो जाता है. और बगैर प्रेम के कोई इतनी माला कर सकता है? पहली बात ये सोचो, प्रेम है तभी इतनी माला हो रही है. बगैर प्रेम के मनुष्य माला कर नहीं सकता है. हाँ, आपको महसूस नहीं हो रहा वो बात अलग है. कृष्णा फिलहाल होने नहीं दे रहे, उन्होंने रोक के रखा हुआ है. अहंकार आपके अंदर ना आ जाए, और कुछ अनर्थ भी रह गए होंगे आपके अंदर, ये भी हो सकता है. या भगवान दिखाना चाहते हैं कि तू अभी और साधना कर, तेरे अंदर अनर्थ है. वो आपकी साधना को और प्रबल करने के लिए थोड़े अनर्थ भी हो सकता है आपके अंदर रह जाए, तो ताकि आप और साधना करो. और आप अंत समय में जब आपका संसार से निकलने का समय होगा, उस वक्त प्रभु ये सब चीज आपको प्रदान कर देंगे प्रेम, और तब आप निकल जाओगे. क्योंकि वो फिलहाल इसलिए नहीं देंगे, वो चाहते नहीं है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान उत्पन्न होए, इसलिए वो रोकेंगे. प्रमाण क्या है कि आपका भक्ति बड़ी, संसार के भोगने की वृत्ति कम हो रही है. संसार में घूमने फिरने की, जो लोगों के बीच विषयों के बीच बैठने की वृत्ति कम होती जा रही है. नाम जप में रुचि बढ़ती जा रही है, दिल करता और कथा सुनने का पढ़ने का दिल कर, इसका मतलब कि प्रेम बढ़ रहा है, तभी तो ये रुचि कम हो रही है. अगर आपको वास्तव में लाभ नहीं होता तो आप इतनी माला कर नहीं सकते, और आप विषय भोगियों का संग नहीं छोड़ सकते. आपको उनका संग अच्छा लगता था. अगर विषय भोगियों का संग अच्छा नहीं लग रहा है, क्षमा उन्नति करो. अगर विषय भोगियों का संग अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपकी जीवन में अभी कोई उन्नति नहीं हुई है, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ी है. और इसका लक्षण यह है कि आपकी माला ही पहले बात ज्यादा नहीं होगी. Their only desire is to engage in cultivating prem bhakti under the garden of the tattva rasik vaishnavas. Vaishnavas who have realized the absolute truth and were expert in relishing loving emotion. To jin vaishnavon ne param satya ki anubhuti ki hai, jo bhagwan ke premi hai, un premi bhakton ke sang se hi aapko labh milega. Unke anugat mein chaliye, tab aap bhakti mein unnati kar sakte hain. It is therefore said, Uptisamr kya kehti hai ji, 8th shlok, the bhakti sadhak should perform kirtan and smaran, remembrance of Shri Krishna name, form, quality, character and pastime. Sadhak ko bhagwan ka kirtan, smaran aur naam, roop, gun, leelon ka karna chahiye hai. Thus they should gradually engage their tongue and minds, unko apne jeeva aur man ko withdrawing them from absorption in sense object, भोग संसारिक वस्तुओं से हटा के, which causes aversion to Shri Krishna, संसार की वस्तुएं जो है भगवान से विमुख करती हैं. Residing in Vraj Mandal, they should follow in the footsteps of Shri Krishna associate, उन्हें ब्रज में वास करके कृष्ण के संगियों का संग करना चाहिए. Who have deep attachment for, केवल आसक्ति, बहुत गहराई से उन जिसका भगवान से प्रेम है. एंड फुली यूटिलाइज एवरी मोमेंट
of that time like the aur har sampal jo hai bhagwan ke naam roop leela ka shravan karna kirtan karna ya jap karne mein lage rehna chahiye. This is the essence of all teaching. Ye sab ka saar yahi hai kya ki brajvas aur bhagwan ke naam roop leela ka gaan karna smaran karna ya jap karte hain naam ka. Similarly, in the Shiva Bhagavatam 10.7.58, Uddhav says, Uddhav ji kya kehte hai Bhagavat ke dasvasam mein? The young wives or the gopis embodied here on earth led the topmost life because they have Mahabhav. Jo gop ki patniya thi, jo is dharatal pe hai, unhone apna jeevan sarvashesh bitaya hai, kyunki wa Mahabhav ki avastha mein, a fully blown selfless love for Sri Govind, the very soul of all, unka jo prem hai purna roop se viksit ho chuka hai govind ke prati, jis pe lesh matra bhi swarth nahi hai ki mujhe kya milega ya mujhe kya fayda, is prakar ka jiske man mein lesh matra bhi swarth nahi hai, aur un govind jo unke prano ke pran ban chuke hain, their pure love is sought after by those sages who fear repeated birth and death. Wo संत लोग उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं जो गोपियों के पास है जो जन्म और मृत्यु से भयभीत रहती हैं, एज वेल एज बाई यस और मुझसे भी भयभीत रहते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग बॉर्न इवन ए लॉर्ड ब्रह्मा इफ वन नॉट डस हैव एनी टेस्ट फॉर हियरिंग दी नेक्टेरियन डिस्क्रिप्शन. श्री हरि कहते ब्रह्मा का पद लेके भी या ब्रह्मा बन के भी फायदा क्या अगर आपके भगवान की लीला सुनने की रुचि ही नहीं है तो. वृत्तासुर ऑल्सो प्रे दैट ही मे गेन द एसोसिएशन ऑफ द वैष्णवज. वृत्तासुर कहते हैं कि वो वैष्णवों का उसे संग भी प्राप्त हो जाएगा ऑफ द वैष्णव एंड कल्टिव प्रेम भक्ति अंडर द गाइडेंस और उनके अनुगत में प्रेम भक्ति उसकी बढ़ेगी. ओ मास्टर ऑफ माय लाइफ वित्तासुर कह रहे हैं मेरे जीवन के स्वामी आई डू नॉट सीक लिबरेशन मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ. आई एम नॉट कंसर्न इफ आई मस्ट रिपीट रोम अबाउट इन द विशेष सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ. मुझे कोई परवाह नहीं अगर मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमना पड़ेगा तो. एज अ रिजल्ट ऑफ अपने कर्मों के द्वारा हाउएवर वेयर एवर आई गो हाँ कि मैं जिधर भी कहाँ भी जाऊँ अगेन इन विच एवर स्पीशीज आई टेक बर्थ जिस भी शरीर में मैं जन्म लूँ कोई भी योनि में जाऊँ प्लीज ग्रांट मी दी लविंग फ्रेंडशिप ऑफ योर डियर डिवोटी. मुझे आपके प्रेमी भक्तियों के प्रति मित्रता बनी रहे उनका संग बना रहे. फॉर इंडियन एसोसिएशन आई कैन कल्टे प्रेम भक्ति उन भक्तों के माध्यम से मैं आपके जीवन में प्रेम भक्ति को डेवलप कर सकता हूँ. आई ओनली प्रे दैट आई विल नॉट हैव टू मिंगल विद दोज हु बिविल्डेड बाई इल्यूजनरी पोटेंसी. मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनका संग ना करूँ जो आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और ऑलवेज ऑब्जर्व इन टू देयर बॉडीज होम चिल्ड्रन फैमिलीज एंड सो ऑन जो के रात दिन अपने शरीर में परिवार में बच्चों में और घर के प्रति आ सकता है. ऑल्दो द पोजीशन ऑफ नवदा भक्ति सो एलिवेटेड हालांकि नवदा भक्ति की स्थिति बहुत ऊंची मानी गई है. श्री सत्यव मुनि है नो डिजायर फिर वो नवदा भक्ति भी नहीं चाहते हैं. वह शीला सनातन गोस्वामी रिकंसाइल दिस वंडर क्यों क्यों नहीं चाहते सनातन गोस्वामी समझाते हैं. ही एक्सप्लेन दैट द फ्रूट ऑफ वंस प्रैक्टिस ऑफ नवदा भक्ति कहते हैं जो नवदा भक्ति का फल क्या है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वन प्रैक्टिस मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है जो प्रैक्टिस करता है. व्हेन द नाइन लिम्स ऑफ भक्ति आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू वैदिक मार्ग नवदा भक्ति जब वैदिक मार्ग के द्वारा की जाती है आज ही मुझे उठ के करना है ये करना वो करना है नियम से जो इंसान करता है. द पार्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्क्रिप्चुरल रेगुलेशन बेस्ड ऑन फियर भय के कारण करता है. शास्त्र में कहा गया इससे करना प्रेम तो है नहीं उसके अंदर. दे अनेबल द साधक टू अटेन वैकुंठ इससे उसे केवल वैकुंठ की प्राप्ति होती है. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सेम लिम्स ऑफ भक्ति आर परफॉर्म इन राग मार्ग
यानी वही भक्ति जब राग मार्ग से की जाती है, एक होता है वैधि मार्ग भय के कारण, शास्त्र में कहा गया इसलिए करना है, और एक होता है उससे केवल वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और जो राग मार्ग से करता है प्रेम से करता है आपके प्रियतम को एक क्षण भी भूलता नहीं, उसे आनंद आता है उसका गुणगान करने में, उसके लिए सुर में आनंद आता है, उस आनंद को बांटता है, इसे कहते हैं राग मार्ग। दे एंटर द साधक दे अनेबल द साधक टू रीच द अबोड ऑफ वृंदावन वेयर दे अटेन लविंग सर्विस टू श्री कृष्णा। तो ये राग मार्ग हमें कहाँ ले जाता है, गोलोक वृंदावन ले जाता है, जहाँ पे हमें कृष्ण की निजी सेवा प्राप्त होती है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू केयरफुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ राग, हमें राग शब्द का अर्थ समझना चाहिए। राग इज डिफाइंड एज वन अटैचमेंट टू एन ऑब्जेक्ट, राग का मतलब होता है हमारी आसक्ति किसी वस्तु के प्रति। इफ द सोल इनहेरेंट कैपेसिटी टू बी अट्रैक्टेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड श्री कृष्ण, यानी आत्मा का स्वभाव है आकर्षित होना, संसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित न होके उसके सारा आकर्षण और शक्ति भगवान के प्रति लग जाती है। इफ ही बिकम द एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ द अट्रैक्शन, अगर वह भगवान के प्रति ही पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है, इट इज कॉल्ड राग रागात्मिका भक्ति, उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। आकर्षण भगवान के प्रति हो जाना और प्रेम से गुणगान करना, श्रवण कीर्तन सब करना, स्मरण करना प्रेम के कारण, उसे रागात्मक भक्ति कहते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी पाद है दिखाई रागात्मक भक्ति इन दी फॉलोइंग वर्ड, रूप गोस्वामी रागात्मक भक्ति का वर्णन करते हैं यहाँ पे भक्ति रसाम सिंधु 1.2.272 क्या कहते हैं। राग इज द अनक्वेंचेबल लविंग थर्स्ट, यानी इस पे आपके प्यास बुझते नहीं है, और सुनो और सुनो और सुनो, वैदिक भक्ति में क्या होता है, बजी हो गए घंटा, एक घंटा कथा करी, उसके आगे नहीं करनी है, बस हम रोज खा गए साधु संग करो, हमने किया एक घंटा कथा सुनी, बस हो गया, और नाम करना मैंने 16 माला कर ली, खत्म हो गया, अब मुझे संसार में मैं जो मर्जी काम करो, अब हम कल करेंगे जो करना है। लेकिन रागत में भक्ति के अटैचमेंट, वो हर पल हर क्षण सवेर से लेकर रात तक सोने तक भगवान के प्रति उसका गुणगान करता है, लीला का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, ये अंतर, उसको फिर भी लगता है तृप्ति नहीं होती, उसे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे और करना, और कथा सुननी है, और लीला का गान करना है। तो कहते हैं देन इन टर्न गिव्स द राइज टू स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस अब्सॉर्प्शन इन दैट ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं जब हमारा राग जो होता है, जो प्यास होती है जिस विषय के प्रति हमारी हो जाती है, उससे क्या होता है, हमारी उस पर हम मग्न होना शुरू हो जाती है। अगर वही प्यास हम भगवान की लीला में, भगवान के रूप में, कथाओं में करते हैं, उस पर अगर हम मग्न हो जाते हैं, डिवोशन डेट इज परफॉर्म विद सच राग, इन्होंने रागात्मिका भक्ति, यानी मग्न होना ही रागात्मिक भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। और ये कब होता है, जब अपनी सारी शक्तियों को केंद्र करके भगवान की ओर लगाती हैं और बार बार उनके नाम रूप लीला गुणों का श्रवण कीर्तन करते हैं, और दिल करता और करो और करो, कोई भी चीज बहुत अधिक मात्रा में इंसान करे, कोई भी चीज अधिक मात्रा में जिस वस्तु का कीर्तन या उसकी चर्चा करेगा या नाम उसका लेगा, उसके अंदर कभी ना कभी मग्नता आएगी आएगी, एक दिन वो उसमें मग्न हो के रहेगा ही रहेगा, उससे मग्न हो बगैर उससे रहा ही नहीं जाएगा। ये मग्न होना, तब उसके अंदर आपने कोई गुण नहीं दिखाई देंगे, सत्कर्म का अभिमान होता है उसको वो गुण नहीं दिखाई देंगे, उसे कहते हैं रागात्मिका भक्ति। स्पॉन्टेनियस इंटेंस अब्सॉर्प्शन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ वंस लव इज रेफर टू एज राग, यानी स्वाभाविक बहुत ज्यादा मग्न होना अपने प्रेम के विषय में, उसे कहते हैं राग। एंड व्हेन कृष्ण भक्ति रीचेस द स्टेट ऑफ इंटेंस अटैचमेंट, और जब कृष्ण भक्ति जो है एकदम अटैचमेंट हो जाती है भगवान के प्रति, बहुत ज्यादा उनकी लीला के प्रति, उनके नाम के प्रति, इस कॉल रागात्मिका भक्ति। मैं जबरदस्ती नाम जप नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना भय के कारण कर रहा हूँ, मैं अटैचमेंट के साथ कर रहा हूँ, तीव्रता से कर रहा हूँ, बार बार दिल करता और करो और करो, मैं रुको ही नहीं, उसे कहते हैं रागात्मिका भक्ति, इंटेंस अटैचमेंट जो होती है। दस इन ब्रीफ
Ragatma Bhakti is the loving thirst for Sri Krishna. Ragatma Bhakti kise kehte hain? Bhagwan ke prati pyaas utpann hona unki leela ke unke katha ke prati Krishna ki prapti ke liye bahut zara pyaas hona. The topmost example of Ragatma Bhakti is found in the deeply loving emotion that the Vrajvasis feel for Sri Krishna. Ragatma Bhakti jo hai uska jo udaran kahan pe milega in Vrajvasiyon ke andar milega, and the devotee that is devotion that is aimed at attaining the stage of Ragatma Bhakti, aur wo kya bhajan karte hai, kya unka bhakti hoti hai jis pe wo aur unke bhav jo utpann hote hai wo karte hue use kehte hai Ragatma Bhakti is called Raganuga Bhakti. Bhakti falling in the wake of Ragatmika Bhakti. Ragatmika Bhakti karte wo Raganuk Prem mein parivartit ho jati hai. Since the devotion of one following the Vedic mark is dependent on the dictation of rules and regulation, Vedic mark mein hum jo koi kriya karte hain wo niyamon se bandhe hue hone karan karte hain, hame karna padega, dil to nahi kara, kya kare, aagya to karni padti hai, to use kehte it is weak, wo kamzor hota hai. On the other hand, Raganuga Bhakti is entirely independent and therefore is powerful by nature. Jo Raguna Bhakti karte hain, Prabhu se prem karte hain, unki bhakti bahut majboot hoti hai. Bhakti swatantra hai aur gyan vigyan uski adheen hai. Bhakti se gyan bhi aata hai, vigyan yani realizations bhi aati hai, vairagya bhi aata hai, sab kuch bhakti se aapko prapt ho jayega kyunki bhakti swatantra hai. Gyan aane se bhakti koi zaruri nahi, vairagya se bhakti koi, kyunki aapko joote pade hain isliye aapka man ub gaya, iska matlab ye nahi ki aapke andar bhakti aa gayi hai. To कहते हैं कि भगवान से प्रेम करने से जो आपकी आसक्ति घटती है वही वास्तव में सच्चा वैराग्य होता है. ये टॉपमोस्ट एग्जांपल ऑफ अनुराग इंसेशन डीप लविंग अटैचमेंट फॉर श्री कृष्णा एग्जिस्ट ओनली एग्जिस्ट इन द हार्ट ऑफ द ब्रजवासी. तो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अनुराग भक्ति का है, जिनका प्रेम भगवान के प्रति लगातार चल रहा है, आसक्ति बहुत ज्यादा है, उनसे ब्रजवासियों के हृदय में ही है. द डिवोटी शुड मेडिटेट ऑन द एसोसिएट ऑफ हिज बिलवड लॉर्ड कृष्णा. भक्त को भगवान के प्रिय भक्तों का चिंतन करना चाहिए, जैसे गोपियों के बारे में सोच चिंतन करना, उनके प्रेम के बारे में सोचना, किस प्रकार प्रेम करती, उनकी चर्चा करना, उनका किस प्रकार का उनको विरह की अनुभूति, उनके क्या भाव होते हैं, उनकी चर्चा करना. Krishna, who have the same mood for which he aspires, the devotee should meditate on the essence of his Lord, beloved Lord Krishna, who have the same mood for which he aspires. कोई भक्तों किसका चिंता भवन के उन प्रिय भक्तों का जो भाव उसके अंदर है, वे सेम भाव वाले भक्त मिलने चाहिए. अगर ब्रज भाव तो ब्रजवासियों का चिंतन करे, अगर प्रहलाद जैसे हो तो प्रहलाद के चिंतन के, ध्रुव के भाव तो ध्रुव जैसा चिंतन करे. तो जैसे जैसे उसके अंदर भाव उसके अनुसार उन भक्तों का चिंतन करे. फर्दर मोर ही शुड ऑलवेज रिमेन इन हियरिंग चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग दी नेम्स एंड पास्टेम और श्री कृष्णा. और साथ साथ में इसको हमेशा मग्न चाहिए भगवान के नाम रूप और लीला का कीर्तन स्मरण और चिंतन करना चाहिए. अब इन ब्रिज वो भी खासकर ब्रिजवासियों का दैट आर कंड्यूसिव टू हिज ओन पर्टिकुलर मूड, वो भी उन ब्रिजवासियों का जो वात्सल्य भाव के हैं, वो श्री दामा सोबल मधुमंगल इनका चिंतन करें, जो मधुर भाव के हैं वो गोपियों का चिंतन करें, जो वात्सल्य भाव वाले हैं वो यशोदा मैया नंद बाबा का चिंतन करें. जिसके जैसे भाव होते हैं उसको उसका चिंतन करना चाहिए, क्यों उसकी कृपा उसको प्राप्त होती है. ये डिवोटी शो रिजाइड इन व्रज मंडल फॉलोइंग द एसोसिएट्स हु शेयर हिज ओन फेवरेबल मूड. तो हर मनुष्य को ब्रज वास करना चाहिए और उन भक्तों के संग रहना चाहिए जिनसे आपके भाव उसके भाव मिलते जुलते हो. आप मधुर भाव कहेंगे वो वात्सल्य भाव कहेंगे तो भाव में फिर टकरा रहेगा. आप सखे भाव के मधुर भाव का फिर टकरा रहेगा. सखा सखे भाव वाले का संग करे, वात्सल्य वात्सल्य भाव वाले का संग करे और मधुर मधुर भाव वाले का संग करे. In the manner just described, those who aspire for the mood of friendship with Sri Krishna should follow the footsteps of these companies such as Sridham and Subal. जब भगवान के सखा भाव चाहते हैं तो
तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन भक्तों का संग करो, उनका चाहो, जैसे श्रीदामासुबल का दोजो डिजायर टू हैव पेरेंटल अफेक्शन फॉर हिम, जो वात्सल्य भाव चाहते हैं, शुड फॉलो श्री नंद एंड श्री यशोदा, वो नंद और यशोदा का अनुसरण करे, एंड डोज यू हैंकर फॉर कॉन्जुगल लव विद श्री कृष्णा शुड फॉलो श्री ललिता विशाखा एंड सो ऑन, जो भगवान के साथ माधुर्य भाव रखते हैं तो उनको ललिता विशाखा अन्य सखियों का चिंतन करना चाहिए। दस ईच डिवोटी अकॉर्डिंग टू हिज ओन मूड, हर भक्त अपने भाव के अनुसार शुड इमर्स हिमसेल्फ इन द पास्टम और श्री कृष्णा कृष्ण की लीला में उसको मग्न होना चाहिए, एंड लिव इन व्रज और ब्रज वास करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी पाद हैज आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ भजन इन भक्ति रसम संतो, तो रूप गोस्वामी ने भक्ति संतो में क्या कहा है इसको हम कल पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, किस प्रकार उसको समझाते हैं, तो हम कल इसका श्रवण करेंगे। समय हो चुका है। वांछा कल्पत्रु भयश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।